तो आज मैं द डीमन हंटर का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और फिर तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज होता है और हम मैंग चुआन और मास्टर मैंग को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मैंग उसको चारों तरफ घूम रही थी। तभी मैंग चुआन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था और अपने में सोचता है कि ग्रेट ग्रैंड मदर को नज़दीक से देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी होते जा रही है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मैंग बोलती है उसको, तुम्हें देख कर लगता है कि तुम वाकई में मेरे वंशज हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा कुछ खूबसूरती मौजूद है। और इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि मैंग चुआन उसका स्टिक अपने हाथ से रोक लेता है और मैंग चुआन उसको बोलता है ग्रेट ग्रैंड मदर। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर मैंग उसको बात नहीं सुनती है और उसका फिर से अटैक करने लगती है। तो हम देखते हैं कि जो मैंग चुआन था वो उसके सारे अटैक से बच रहा था। तो ये सब चीज़ देखकर मास्टर मैंग बोलती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा फास्ट हो और उस पर एक पिल से अटैक कर देती है। वो पिल जो है मैंग चुआन को लगता है और वो दूर जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर मैंग उसको पकड़ के अपने पास लेके आ जाती है और फिर वो जो कोई टेक्निक परफॉर्म करती है अपने स्टिक में और उससे जो है मैंग चुआन पर अटैक करने लगती है। तो हम देखते हैं कि मैंग चुआन की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है और फिर तभी कुछ देर बाद मास्टर मैंग फाइनल अटैक करती है मैंग चुआन के फोरहेड पर। तो हम देखते हैं कि मैंग चुआन के बॉडी से बहुत ज़्यादा ही फायर एनर्जी रिलीज हो रहा था और फिर जब वो नीचे आता है तो हम देखते हैं कि मैंग चुआन के फोरहेड पर एक फायर एनर्जी का मार्क अपीयर होने लगता है। और फिर तभी ये चीज़ देखकर मास्टर मैंग बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हारे अंडर फ्रेम सीट को प्लांट कर दिया है उसी मेथड से जो कि लिखा हुआ था झूरोंग 9 रिफाइनमेंट। और फिर तभी हम देखते हैं कि मैंग चुआन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर मास्टर मैंग बोल अपना बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि ये जो टॉप फॉर्जिंग मेथड है और ये मेथड जो है युआन चू माउंटेन से आया है। युआन चू माउंटेन का नाम सुनकर मैंग चुआन भी हैरान हो जाता है। तभी उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर बोलती है कि देखो कि मेरे ख्याल से तुम्हें जो है अपना फॉर्जिंग स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि तुम जो गॉड रिलर में एंटर कर सको, सेंट बन सको। और बोलती है कि देखो कि जल्द ही जो है डेमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट आने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के तुम जो सेंट बनने का फॉर्जिंग स्टार्ट कर दो। उसको एक डेमन पिल देते हुए बोलती है कि देखो ये पिल तुम्हारा यूजफुल हो सकता है और तुम जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हारा उतना अच्छा कल्टिवेशन नहीं है कि तुम जो है इस पिल का यूज़ कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जैसे मैंग चुआन उस पिल को छूता है वो पिल गायब हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि मास्टर मैंग उसको एक बुक देते हुए बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें जो है इस बुक को प्रैक्टिस करना चाहिए और तुम्हें जल्द ही बॉडीलेस रियलम में एंटर कर जाना चाहिए ताकि तुम जो है सेंट बनने के लिए फॉर्जिंग कर सको। और फिर तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर मैंग चुआन अपने रूम में आ गया था और वो जो उस बुक को जो कि उसको मास्टर मैंग ने दिया था उसको साइड में रखते पेंटिंग कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो पेंटिंग जो है उस समय का कर रहा था जब वो जो है अपनी मदर के साथ झुलुआ झूल रहा था। अपने मन में बोलता है कि मैंने इन सालों में कल्टीवेशन को पूरा इग्नोर कर दिया था ताकि मैं जो सीक्रेट टेक्निक सीख सकूं और इसी के कारण जो है मैं अभी बहुत ज़्यादा पीछे रह चुका हूँ और ये मेरे लिए अभी मुसीबत का बात है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई अपीयर होने लगते हैं और वो एक एक करके येचन के फोरहेड में जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैंग चुआन जो है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच गया था जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस बेबी को देखता है तो बोलता है कि थोड़ा सा ग्रो हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर से जो है एक डीमन उस पर अटैक करता है तो मैंग चुआन उसको एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। लेकिन इस बार गौर करने की बात यह थी कि जो उस डीमन को जो उसने मारा था उसका एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज मैंग चुआन नहीं समझता है, लेकिन हाँ उसे इतना एहसास हो गया था कि उसका पावर पहले से इंक्रीज हो गया है। आप ये सोचता है कि क्या ये बस एक इल्यूजन है या फिर ये सही में है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उस पर और ज़्यादा डीमन अटैक कर देते हैं तो वो जो उन सारे डीमन्स को भी ख़त्म कर देता है। तो हम देखते हैं कि उन सारे डीमन्स का एनर्जी भी उसके अंदर आने लगता है और फिर तभी वो जो ब्रेक थ्रू करके मैरो वासिंग रिलम के परफेक्शन स्टेज पर पहुँच जाता है। और ये चीज़ देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि उसका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो भी अपग्रेड हो चुका है और अब वो जिन किसी भी डीमन को मारेगा उसका एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ देखकर मैंग चुआन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि अभी मज़ा आएगा ना और मेरे ख्याल से अब मैं इस तरह से जो
है बोधलेस रियल्म में एंटर कर जाऊंगा डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट के पहले ही। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो तैयार हो जाता है और हमारा सीन वापस चेंज होता है और हम देखते हैं कि मैंग चुआन उसी बुक को रीड कर रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि जी ये चेंज उस बुक को पढ़ते हुए यही सोच रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता अगर मैं जो है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस ग्रेट ग्रैंड आंट के जैसे किसी गॉड के साथ फाइट कर पाता। तभी हम देखते हैं उसके टेबल पर कोई पत्थर फेंकता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्यू यू थी। और हम देखते हैं कि क्यू यू उसको इशारा करती है बाहर आने के लिए। तो हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जो है मैंग फैमिली के रेस्टोरेंट में आ गए थे जहाँ पर उसका फादर उसका वेट कर रहा था और लोग तीनों वाइन पीते हुए बोलते हैं और उसका फादर डाइजेंग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं जो है आशा करता हूँ कि तुम लोग को जो है फर्स्ट प्राइज मिले इस आने वाले डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में। मैंग चुआन का फादर था और क्यू यू थी, वो दोनों तो पी लेते हैं लेकिन मैंग चुआन था वो जो शराब या फिर चाय नहीं पीता है और लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो भी पी लेता है। मैंग चुआन जब क्यू यू को देखता है तो उसको पास्ट का याद आने लगता है जब 10 साल पहले अंकल ली ने क्यू यू को यहाँ पर लेके आए थे और वो सोचता है कि अब जो है मेरे लिए बस दो ही आदमी इम्पोर्टेंट है, एक मेरे फादर और एक ये क्यू यू। तभी हम देखते हैं कि जो क्यू यू थी और जो मैंग चुआन का फादर था डाइजेंग उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था लेकिन हाँ जो मैंग चुआन था वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस बिहेव कर रहा था। और हम देखते हैं कि जो डाइजेंग था उसने जो बहुत ज़्यादा वाइन पी लिया था और फिर वो अपने बेटे को बोलता है कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा नंबर क्या आता है डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में, तुम्हारा रैंक क्या आता है, तुम हमेशा मेरे अच्छे बेटे हो और रहोगे। तभी हम देखते हैं कि क्वीन यू बोलती है कि हाँ कि मैं जो तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और वो भी जो है नशे में बेहोश हो जाती है। ये सब चीज़ देखकर मैंग चुआन बोलता है प्रोटेक्ट करना ये मैं करूंगा तुम लोग को। और फिर तभी हम देखते हैं कि मैंग चुआन जो है क्यू यू को अपने कंधे पर सवारी करा के कहीं लेके जा रहा था और फिर तभी क्यू यू उसको बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए एक घोड़े का पेंटिंग करोगे तो उसका क्या। तो मैंग चुआन बोलता है कि चिंता मत करो मैं अभी पेंटिंग कर देता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो मैंग चुआन था वो जो किसी को प्रे कर रहा था और हमें पता चलता है कि वो जो अपने मदर के मेमोरियल के सामने प्रे कर रहा था। और यहाँ पर गौर करने की बात याद है कि यहाँ पर जो अभी सुबह हुआ था यानी कि मेरे ख्याल से वो जो है रोज सुबह उठ के अपनी मदर को प्रे करता है उसके बाद ही प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाता है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो बाई सैन था वो जो अभी सोया हुआ था और उसके आसपास बहुत ज़्यादा ही लड़कियाँ मौजूद थी। और फिर तभी हम देखते हैं कि बाई सैन की तरफ एक टेंटिकल बढ़ता है तो बाई सैन को लगता है कि उनमें से किसी लड़की का हाथ है तो वो बोलता है कि नहीं मैं अभी और नहीं कर सकता हूँ और उसको जो है साइड करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टेंटिकल उसके मुँह के अंदर जाने लगता है। तो इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि बाई सैन का आँख खुल जाता है और वो अपने सामने एक डीमन को पाकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है घोस्ट घोस्ट। और फिर वो जो है अपने बगल वाले लड़कियों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से कोई भी नहीं उठता है। तो ये देखकर वो बोलता है कि मास्टर रिंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो डीमन बोलता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक फेवर करो। बाई सैन बोलता है कि क्या फेवर करना है। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर ली था वो डीमन था वो जो आगे जाने लगता है और उसको बताता है कि देखो कि आने वाले इस डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में मैं चाहता हूँ कि जो क्यूट क्रिएचर है उन सबको कुछ मजा आए। कि इसके साथ साथ जो बाई सैन था वो उन सब लड़कियों को जगाने का कोशिश कर रहा था। और फिर तभी बाई सैन बोलता है कि क्यूट क्रिएचर आखिर में आप कहना क्या चाहते हैं। ये बात सुनकर वो डीमन बोलता है कि मैं उन सारे ह्यूमन जीनियस के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सब मारे जाएं। और फिर तभी वो वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि उस डीमन को जाने के बाद वो बंदा फिर से सो जाता है और अब ये सपना था या फिर हकीकत ये तो हमें आगे पता ही चलेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सैन फिर से सोया हुआ था लेकिन तभी वहाँ पर गेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुलने का पास जाता है जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लड़कियाँ थी और मास्टर बाई सैन था उसका नींद टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाई गुआन था जो कि गुस्से में आकर बोलता है कि आखिर में मैं नहीं बल्कि तुम युवान क्विंग पिंग के साथ शादी करने वालों ऐसा तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। और इतना बोलने के बाद हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है।